षष्ठ श्रेणी र भाइभी म सुप्रभात आज अनि हिन्दी कालसर प्रथम विषय प्रार्थना जाँदा प्रभु तुम करुणा के सागर हो हम पर इतनी करुणा कर दो हे प्रभु आपण हौँदै करुणार सगर कुणार अवतार आम यतिकिमत्रुणा दया कर गरिदियो तेजे स्वर्थ उप के हम् आमे निजर को त्याग करू गरु उपकार करू सबको मन में प्यार करे हम हम् मनरे मैं भलो पाऊ दुख अपना कर सुख देने को जीवन का आधार करे हम दुख को आपणे नहीं मान को सुख देवाई हमें जीवन र्रत करिनो सबसे रूप तुम्हारा देखे समस्त हमें प्रभु तुमरो रूप को विभु, ए एस, हमको ऐसी नजर दो दृष्टि शक्ति दियो हमें दि को देखले मध्य ताठरे आम आपण रूप को देख प्रभु तुम करुणा के सगर हो हम पर इतनी करुणा कर दो, प्रभु तुम्हें हाच हम आम एत करुणा कर दया कर दयाक प्राची में ऐसा सूर्योदय हो तम हारे प्रकाश की जय हो पूर्व दिगरे एभली सूर्योदय हो अंधकार जा हारी जावा अंधकार दूर हो ओ आलक जय हो सभी सुखी हो सब स्वतंत्र हो समस्ते सुखरे समस्ते स्वाधीन भावे रहबल हर कोई सबल और निर्भय हो समस्ते सबल हुतु निर्भय रह सबके रोग दोष प्रभु हर समस्त रोग दोष प्रभु तुम हरिय जन जन को तन तन सुंदर दो समस्त मन समस्त हृदय बा रूप को सुंदर प्रभु कर करदि प्रभु तुम करुणा के सागर हो प्रभु तुम्हें हम पर इतनी करुणा कर दो हम पर इतनी करुणा कर दियो तुम हो सबके भाग्य विधाता तुम हो पिता तुम ही माता तुम्हें हौच समस्त भाग्य विधाता तुम्हें हौच समस्त पिता और माता तुम्हें बंधु हो तुम्हें सखा हो तुम्हें हौच बंधु सखा सब हिं जाचक तुम हो दाता ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାକାରୀ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ କେବଳ ଦାତା ଯିଏକି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଅକିଞ୍ଚନ ରହେ ନା ଜଗମେ କେହି ଗରିବ ଭାବରେ ଜଗତରେ ନ ରହୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସବ୍କି ଝୋଲି ଭରି ଦେଉ ଏ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣା କେ ସାଗର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଉଛ କରୁଣାର ସାଗର ହମ୍ପର୍ ଇତିନି କରୁଣା କରିଦେଉ ଆମ ଉପରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କରୁଣା କରିଦିଅ କରୁଣା ଅର୍ଥ ଜାଣିବା দয়া ত্যাগ ছদবা উপকাৰ দুশ্ৰি হৈ অন্য় ভাল কৰিব বিভু ভগৱান নজৰ দৃষ্টি প্ৰাচী পূৰ্ব দিশা তম হে অন্ধকাৰ নিৰ্ভয় ভয় ৰ নিডৰ জন কয়ে লোক অকিঞ্চ গৰী দাটা দেবা যি দিয়ে বৰ্তমান টিকে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ आम टे आलोचना करवाए तो ध्यान पूर्वक देखा हमें किसे जीवन का आधार बनाना चाहिए हमें आमर जीवन आधार कौन करवा दरकार दुख अपना कर दूसरों को सुख देने का आद, हमारा जीवन का आधार बनना चाहिए हमें निजर दुख को आपण नहीं अन्न को सुख देवामर आधार जीवन आधार बनवा दरकार इस प्रार्थना में ईश्वर से क्या बरदान मांगाए प्रार्थना रे ईश्वर को कौन वरदान मांगा जाए इस प्रार्थना में ईश्वर से वरदान मांगा गया है कि सभी सुख हो सब स्वतंत्र हो हर कोई सबल हो और निर्भय हो सबके रोज दोष प्रभु हर लो जन जन को तन मन सुंदर कर दो इस प्रार्थना में जन जन के लिए क्या प्रार्थना की गई इस प्रार्थना में जन जन के लिए कहा गया है तन मन सुंदर हो जाए ईश्वर को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है न ईश्वर सबके भाग्य गढ़ते हैं इसीलिए उनको भाग्य विधाता कहा गया है इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए प्रभु तुम करुणा के सागर हे ईश्वर प्रभु तुम्हें करुणा का सागर वास्तविक प्रभु करुणा के सागर सागर हैं क्योंकि वो सबके भलाई चाहते हैं सब सबके ऊपर उनके दया वितरण करते हैं तुम्हारी प्रकाश की जय हो जब प्राचीन दिशा में सूर्य उदय होता है तभी तम दूर हो जाता है और प्रकाश की जय होता है कोई अकिचन रहे ना जग में कहीं गरीब न रहते जगत रे ईश्वर की कृपा से इस प्रार्थना से कहा गया है कि हर कोई व्यक्ति इस जगत में अकिंचन न रहे प्रभु की कृपा होगी प्रभु की कृपा हो तो इस जगत में कोई अकिंचन न रह जाए विपरीत अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींच कर जुड़िए बर, है साप विपरीत वर्त बर है आशीर्वाद साप अभिशाप जीवन मरण सूर्योदय सूर्यास्त तम प्रकाश स्वतंत्र परतंत्र अवगुण गुण संज्ञा कैसे के कहते हैं न जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव या दशा का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं जो शब्द रु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव व अवस्था भाव व गुण आ दशा बोध हुए ज्ञान हुए संज्ञा संज्ञावा विशेष कहते जैसे मोहन एक व्यक्ति का नाम कलम एक वस्तु का नाम कटक एक स्थान का नाम गाय एक जाति का नाम स्नेह भाव व गुण का नाम बुढ़ापा एक अवस्था क्या दशा क्या धन्यवाद आमे काम भावी ए प्रथम विषय प्रश्नोत्तर प्रश्न उत्तर एक रु तिन नम्बर पर्यन्त आमे समझते ख्यातिर गरिदे धन्यवाद